वहाँ कहाँ से उतरो? कहाँ से उतरो? खेतर अच्छा यहाँ आओ लोगे आओ कमांड से उतरो पासो बोल दे छुले पहले मैं आपसे तेरे देख रहा हूं मैं यात्रा से ले लाख रे ओ जा खेतर जत लोगे मैं खेतर का सारे दिन की तो बाद एक पैसे नहीं मिलेगा ओ हो हो पैसा ना पास से कम ओ हो सर ब्रो कैसी लगी गाड़ी सागर आपको अच्छी लगी ना लुक और कलर उसकी डिजाइन डिजाइन हाँ पार्किंग का इश्यू है ना इसलिए थोड़ा सोच रहे हम अदर स्टेट में जाए कि नहीं जाए लेकिन ना अभी राजस्थान जयपुर जाने का उदयपुर जाने का प्लान हो रहा है यहाँ स्कूल है तो हाथी वाले लोग यहाँ रुकते हैं तो मैंने वो भैया बोला कि गुरुजी को बता दे यहाँ स्कूल है आगे पिपले का पेड़ भी है तो हाथी वाले सब यहाँ रुकते हैं आगे से अंदर स्कूल है ठीक है यहाँ आगे स्कूल है वहाँ पेड़ भी है पिपले का तो वहाँ सब हाथी वाले आते हैं वहाँ ही रुकते हैं मैं यहाँ का हूँ भैया यहाँ का ही हूँ लेकिन भी है तो हाथी वाले वहाँ रात को रुकते हैं ठीक है रुकना है तो वहाँ रुक सकते हो आप कैम से हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू अनदर व्लॉग आप सब कैसे होंगे मस्त और मजे में फिलहाल तुम्हारा भाई भी एकदम मस्त और मजे में आज ना तो मैं अभी घर पे ही हूँ और ये चेक करें गाइस सुबह की दिन और दिन की शुरुआत यहाँ से होती है गांव में ना तो आज सीतापड़ हमने खा भी लिए और ना ये सब लोग बैठे गुड मॉर्निंग मयू गुड मॉर्निंग चाय नाश्ता हो गया ओके तो अभी ना ये रहा मिथु गुड मॉर्निंग पतु गुड मॉर्निंग नी पतु गुड मॉर्निंग बोला गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वो गुड मॉर्निंग बोल ही नहीं रहा और ना आज हम लोग जा रहे हैं सुबह सुबह साग भाजी लेने ना तो चलते हैं और ना हम गांव में ही हमारे खेतों में ही मिल जाती है तो हमारे खेत में तो अभी कुछ है नहीं तो चलो वहां चलते हैं साग भाजी लेने और आज तक आपने अगला व्लॉग देखा नहीं तो देख लेना हमारे बीएम की डिलीवरी का व्लॉग अच्छे से रीच आ रही है व्लॉग में तो वो भी चेक कर लेना और अभी ना थोड़े ही दिन के अंदर कोई बड़ी ट्रिप और प्लान होने वाला है ना ठीक है चलो तो फिर चलते हैं यस हम बीएम को लेके सिलेंडर लेके जा रहे हैं क्योंकि खेत में जाने का है ना गाइस इसलिए हम बीएम को रख दिया है और खेत में जाने के लिए सिलेंडर है हमारी कुंडी की तो अभी ना गाइस हम फाइनली पहुंच चुके जो खेत है वहां तो ये चेक करें यहां है रिंगन टमाटर और पापड़ी और उस साइड उन लोगों का रहने का घर है तो अच्छा है यहाँ पानी आता है इसलिए अच्छे से साग भाजी की खेती होती है यहाँ उनका रहना है हाँ। मजा आया ना ओके मजा आया सुबह सुबह में और सब लोग ना खेत में काम करने के लिए आए हुए हैं ना हमारा काम हो गया रिंगन लेने आए थे वो ले लिया अभी जा रहे हैं तो उन लोगों ने खेत में सब कुछ किया हुआ है रिंगन हो गए मिर्चे हो गए टमाटर हो गए पापड़ी हो गई यहाँ सैरड़ी है फिर फैजी है बहुत कुछ है तो ये रहे हमारे रिंगण और ना ऐसे यार खेत में जो मज़ा आता है ना यार लाइफ जीने में अच्छा है क्योंकि ये लोग ना पूरी साग भाजी करके बाज़ार देते भी है तो उन लोगों को पैसा भी मिलता है तो हम ना हमारी जो मेरी उम्र के जनरेशन है जो 22 साल से 30 साल के लोग हैं वो भी ना ऐसे खेत में एक आपके पानी की व्यवस्था हो कुआँ हो या बोर हो ना तो आप भी ऐसे साग भाजी की खेती कर सकते हो तो ये छोटा सा एक बिजनेस ही है और आपकी उम्र में जो ऐसा काम करोगे ना तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगी ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा कि किस टाइप के भाव बाज़ार में देना चाहिए क्या करना चाहिए क्योंकि ना ये लोग तो पता ही है लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं होते ना तो थोड़ा अपने जितने नॉलेज तो कम होता है लेकिन ना थोड़ा हमें भी पढ़ना चाहिए क्योंकि इतनी मस्त लाइफ स्टाइल है ना पूरा साइलेंट एरिया खेत में मस्त सा पूरी साग भाजी करके अपना जीवन गुजारते ले जा छोटू पकड़ गिरा मत देना आपके बाइक पर और यहाँ देखो ग्रीनरी ही ग्रीनरी खेतों में तो आज ना हमें सुबह सुबह आके देखा और बहुत ही मस्त लगा मैं भी मेरा खेत है ना वहाँ रोड साइड गांव से दूर वहाँ एक पानी वाला बोर कराने वाला हूँ पानी आ जाए तो अच्छा है फिर ऐसी ही ऑर्गेनिक खेती करने वाले हैं ना हम जिसे हमें खाने में फ़ायदा हो ठीक सो गाइस हमारा अभी नहाना भी बाकी है और मैं ना साग भाजी लेने गया था वहाँ खेतों में तो वहाँ से आ गया और अभी ना यहाँ चेक करो ये कॉपी कर रहा हूँ व्लॉग में
GoPro में से डाल दिया पीसी में, लैपटॉप में, लैपटॉप में से डाल रहा हूँ फ़ोन में, तो बहुत देर होती है यहाँ तो कुछ चलता नहीं है, कॉपी करना ही यूज़ आता, बहुत हैंग हो रहा है अभी, थोड़ा टाइम में पीसी भी बनाना है, तो ये सब कॉपी करने एडिटिंग करने में मेरा समथिंग 2-3-4 घंटा डेली का बिगड़ता है। आज विशु भी नहीं है तो मुझे खुद करना पड़ रहा, वरना विशु एडिटिंग कर लेता है थोड़ा ज़्यादा, वो तो ही करता है व्लॉग तो। लेकिन क्या है कि बहुत कुछ सामना करने के बाद ना यार, कुछ भी होता है लाइफ में बहुत कुछ सामना करने के बाद मिलता है, इसलिए आप उस भी चीज़ को सस्ती मत समझो, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है चलो। तो अभी ना गाइस तुम्हारा भाई ना गाड़ी बाइक निकाल ली, साफ सफाई कर ली, और ना अभी चेन थोड़ी सूखी मुझे लग रही है, लेकिन ऑयलिंग कराना पड़ेगा। वो पूछ लेता हूँ शोरूम वाले से, और ना उसको रखने जा रहा हूँ। चल रेडी, सब पैक कर लिया? ठीक है तुम घर रहना, तो चलो मैं उसको नवाल जे रख के आता हूँ, काफ़ी दिनों से यहीं था। अभी ना समथिंग बच गया 10, और मुझे जल्दी निकलना होगा, आखिर में आज बैंक में भी दूसरा काम है, तो चलो फिर चलते हैं। ओके बाय बाय, चल धनु बैठ। तो चलो हम अभी जा रहे हैं कमांड नवल जा, धनु को रखने उसके घर। अभी ना ऑयल फुल हमारा 124 की भी चलेगी हमारी गाड़ी। तो अभी ना गाइस मैं पहुंच चुका नवल जा धनु के गांव, और आज भी तो यहां से ना सीधा अंदर जाता है रोड। तो चलो अभी तुम्हारा भाई जाता है, और यहाँ गाड़ी का बहुत केयर करना पड़ता है, ये चेन पहनी हुई ना तो यहाँ प्लास्टिक से कोटिंग कराना पड़ेगा, क्योंकि ना क्या जा सकते ऐसा लगता है। ये देखो धनु के घर कौन आया हुआ है, ओहो हाय किशु, क्या कर रही थी? कहाँ से उतरो, कहाँ से उतरो? खेतर ओ अच्छा, यहाँ आओ लोगे आओ कमांड से उतरो बिना। मैंने इतना उम्र वाला अंकल था जो ना बेचारा खेत पे जा रहा है, इतनी उम्र में भी देखो तुम चलने की ताकत भी नहीं है, तो लकड़ी लेके जा रहा है, क्योंकि ना वो क्या बोला कि पैसा ना पार चला, पैसा नहीं मैं सोयाबीन खेतर से तय जाओ यार, लेकिन खेत में कुछ भी पैसा नहीं है उन लोगों के हाथ में ना, तो सोयाबीन है तो वो बेच के कुछ 5-10 रुपये अपने हाथ में आएगा, ऐसा कहना है हमारे ना गाइस। मैं जा रहा था लेकिन ना यहाँ हमारे अदर फ्रेंड मिले हैं, तो उसका भी मैं रिव्यूज ले लेता हूँ। ब्रो कैसी लगी गाड़ी? हाँ सागर आपको अच्छी लगी ना, लुक और कलर और उसकी डिजाइन विजाइन है ना, दो ही कलर अवेलेबल थे ब्लैक और वाइट, तो हम गए थे तो हमने वाइट चूज किया, लेकिन पब्लिक को पसंद ही आ रही है, अच्छी लगती है तो हमें भी अच्छा लगता है। और तू क्या बोलेगा 600 किलोमीटर पर ही अब रिव्यू कुछ अबे ओ कोई मेरे जे कंप्लीट जे इसको ना अरीसा पसंद नहीं आ रहा, वो खुद तो चॉइस करने आया था, उसको ना G310 पसंद आ गई थी, ऐसे स्टैंड लगाने के ऊपर चढ़ने की वो पसंद आ गई थी। हाँ तो मेरे से ज्यादा उसके फोटो है DSLR में पूरे शोरूम पर जाके अलग अलग फोटो पर बाइक पे फोटो खिंचवाए थे। तो बिना पहली सर्विस के बाद पता चलेगा कि क्या है लॉन्ग राइड पे भी निकलना, लेकिन अभी पार्किंग का इश्यू है ना, पार्किंग का इश्यू है ना, इसलिए थोड़ा सोच रहे हम अदर स्टेट में जाए कि नहीं जाए, लेकिन ना अभी राजस्थान जयपुर जाने का उदयपुर जाने का प्लान हो रहा है। 1 hour later बज गए शाम के 4:30-5, और अब मैं क्या ही बोलूं, आज ना पूरे दिन में कमांड ही था, ये चेक कर मेरी गाड़ी को डस्ट भी इतना लग गया है ना कि ना ही पूछो। तो चलो अभी मैं चलता हूँ घर की, और ना आज मेरा बैंक में जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो ही गया, अभी ना सर का कॉल आएगा ऐसे बैंक वालों ने मुझे बोला है, तो उनका वेट करूँगा, और ना मैं जा रहा हूँ घर की ओर। तो आज समथिंग मैं 5 घंटे ही ऐसे बैंकों में काम निकाला, यहाँ वहाँ करके, तो चलो अभी घर की ओर चलता हूँ, और ना पूरी तरह से थक भी गया हूँ, पैर तो इतने दुख रहे हैं क्योंकि ना खड़े खड़े ही काम पूरा बैंक में निपटाना पड़ता है ना, इसलिए छोटी सी। सुबह मिले याद है, सुबह मिले कहाँ जाना, अभी रिटर्न हो रहे रिटर्न नहीं जा रहे यार, कहाँ बैठेंगे, चले बैठ जाओ ड्रॉप कर दूँ भाई, आशीर्वाद ले लूँ, दुआ दे करेंगे बेटा, काया सुखी रहे और काया निरोगी रहे। ये मेरा घर है भैया, मैं वहाँ का हूँ, वहाँ गया था कमाने,
वहाँ पे अपना मकान, ये रहा ये रहा। चलो इधर रुकने वाले के चले जाना शाम को, वरना यहाँ आगे स्कूल है ना, वहाँ है वो पीपला, वहाँ हाथी वाले वहाँ ही रुकती है स्कूल पे। हाँ स्कूल है, वहाँ रुकते हैं हाथी वाले, आगे भी आए थे 2 महीने पहले तो वहाँ ही रुके थे। रुकना है तो बोलना, यहाँ पीपले का पेड़ भी है, उसको खाने के लिए भी हो जाएगा। तो महादेव तो कहाँ है गुरु जी? गुरु जी यहाँ स्कूल है तो हाथी वाले लोग यहाँ रुकते हैं, तो मैंने वो भैया बोला कि गुरुजी को बता दे यहाँ स्कूल है आगे, पिपले का पेड़ भी है तो हाथी वाले सब यहाँ रुकते हैं, आगे से अंदर स्कूल है, ठीक है यहाँ आगे स्कूल है, वहाँ पेड़ भी है पिपले का, तो वहाँ सब हाथी वाले आते हैं वहाँ ही रुकते हैं। मैं यहाँ का हूँ भैया, यहाँ का ही हूँ, लेकिन वो महाराज मिले थे सुबह कमांड में, तो उन्होंने बोला कि महाराज को बोल रहे आगे पिपले का झाड़ भी है और स्कूल भी है, तो हाथी वाले वहाँ रात को रुकते हैं। क्या उसे बता फैमिली पप्पा लोग को? पापा नहीं थे, मम्मी ने बताया। एवं है, ओके बराबर, थैंक यू सो मच, ओके एवं है, ओके ओके आयुष मारू घर से अँ आओ तो बेही लो खरे नहीं तो ओके वो अँ जामली ओके हाँ हाँ वाधो नहीं ओके चल ओके थैंक यू। मैं घर और ये रहा मिथुनिया हमारा, क्या कर रहा था पूरे दिन? और ये रही हमारी बीएम, तो मैंने सोचा उसका बीएम नाम रख दूँ, और ना ये चैन सेट देखो उसका पूरा ना कीना खराब हो चुका है ना, यहाँ डस्ट में घूमना होता ना, इसलिए तो मुझे ना अभी चैन स्प्रे डालना पड़ेगा, तो चैन स्प्रे मेरे पास है नहीं, नया मंगाना पड़ेगा, और ना देखते हैं कौन सा डालना, शोरूम वाले से फ़ोन करके पूछ लो कौन सी कंपनी का अच्छा आता है ना, बीएम की केयर तो करनी पड़ेगी ना, अभी तक 3,000 का तो पेट्रोल हो चुका है भाई, 4 लाख की गाड़ी पड़ेगी 8 लाख में। चल ब्रो हो गई शाम, और हमारे किचन में देखो आज ना गुड्डू क्या बना रही हो, दाल ढोकड़ी और चने की दाल, दूधी चने की सब्जी और रिंगण बटाके की सब्जी, रोटला भात, और इधर ये मूंगफली के लिए रोटियां बना रहा हूं। ओहो तो मयू इतना सारा खाना बन रहा है हमारे घर, तो मुझे ना पापड़ खाना है, पापड़ है? पापड़ नहीं है, अछाणु है? नहीं है, तो वो चीज खानी है वो तो है नहीं, कहाँ यहाँ ना अथाना मिल गया लोगा, लगा इन लोगों को hello. क्या हेलो हेलो गाइस, ले बोलो हाय हेलो, हाउ आर यू मयू, हाय, व्हाट इज योर नेम? मैत्री। मैत्री ओके मयू ओके, तभी ना गुड्डू ना मस्त सा खाना बना रही है, और तुम्हारा भाई ना उसको हेल्प करके दे रहा है थोड़ी, और ये चेक करो, ये चेक करो भाई, दाल, ये तुअर की दाल है, तुअर की दाल, गिरा मत ना तो मरूंगी, क्यों तो कितना और फ्राई करेगी गुड्डू तू, ये मस्त बनाने वाली है। ओके मुझे ना थोड़ा ज्यादा देना दाल ढोकली, बचपन की यादें याद आ गई, क्योंकि ना हम बचपन पे स्कूल में जाया करते थे ना, तो बहुत पाठशाला में हमें खाने मिलती थी दाल ढोकली, तो तुम्हारा भाई ना मस्त से आज दाल ढोकली और सब्जी खाएगा, और ये मयू हेल्प करने आ गई, ये चेक करो, तो हमारा किचन ना छोटा सा है लेकिन हैप्पी वाला परिवार है हमारा, छोटा सा नहीं बहुत बड़ा है हमारा किचन, लेकिन हैप्पी है। तो आज ना काफी लेट हो गया था, और ना अभी बज गए 6:51, अभी भी मैं घर पे हूँ, तो चलो अभी थोड़ी देर बाद मिलता हूँ, अभी मैं नहा लेता हूँ, फिर खाएंगे, फिर मिलेंगे, ठीक है।